In the morphology of the flowering plant, ठीक है, तो आपको पता है कि morphology क्या होता है, जिसमें हम लोग पौधे के सभी अंगों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जो एक्सटर्नली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो उस सभी के बारे में चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो रूट, पौधे में रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, रूट क्या है, तो आपको पता है पौधे में रूट कौन सा भाग है, तो रूट पौधे का वह भाग है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट होता है और वो मिट्टी में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो वैस्कोमंडल में ट्रांसपोर्ट करता है और वैस्कोमंडल यानी जाइलम उसे पौधे के पत्ती तक पहुंचाता है। तो आज हम लोग रूट के बारे में स्टडी करते हैं, रूट है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हम लोग, देखिए ये सॉइल लेयर है, ठीक है, सॉइल लेयर है, मिट्टी की लेयर है और इसमें आपका ये जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं कि आपका जर्मिनेटिंग सीड, ये सीड आपका है जो जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड है, ठीक है। देखिए जब आपका सीड जर्मिनेट करना शुरू करता है तो सीड जर्मिनेट जब करता है इससे अंदर जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, आपको पता है सीड के अंदर एम्ब्रियो होती है, ठीक है, ये आपकी एम्ब्रियोनल सेल है जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, ये जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें सेल के दो एक्सिस होते हैं, एक अपर एक लोअर, तो अपर एक्सिस जो होता है सीड से मिट्टी के बाहर की ग्रोथ करता है ये पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट जो होता है वो मिट्टी के नीचे की ग्रोथ करता है, वो पे ये पार्ट है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, जब कोई सीड जर्मिनेट करता है तो सीड जब जर्मिनेट करता है तो सीड का वह पार्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर मूव करे, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसका वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण की ओर मूव करता है, यानी हम कह सकते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता हो, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है, वो आपका कौन होता है, रेडिकल, और जो आपका निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे उसे आप बोलेंगे फ्लूइड्स। तो आप बोलेंगे जो पौधे का रूट है वो रेडिकल से पैदा हुआ है, तो जब सीड जर्मिनेट करता है तो वह एम्ब्रियोनल का पार्ट जो डिसेंडिंग एक्सिस में ग्रोथ करता है, मतलब मिट्टी के नीचे की ओर, ठीक है, तो सीड का वह पार्ट जो कि डिसेंडिंग एक्सिस में ग्रोथ करता है या फिर जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता हो या फिर आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, क्योंकि लाइट तो ऊपर होता है मिट्टी के बाहर, तो लाइट तो ऊपर पार्ट में पड़ेगा, नीचे तो पड़ेगा नहीं, तो पौधे जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसका वह पार्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर मूव करे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे या फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, वो आपका पार्ट क्या करता है, आपका रेडिकल्स, ये रीजन जो आपका क्या है, वो रेडिकल्स का है, ठीक है, यही रेडिकल फ्यूचर में डेवलप करके क्या बनेगा, आपका रूट बनाता है। उसी प्रकार हम बोलेंगे कि जब सीड जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेटिंग सीड का वह पार्ट जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे, वो पार्ट क्या कहलाएगा, आपका प्लूमल्स, इससे हम क्या बोलते हैं, प्लूमल्स, और प्लूमल्स से क्या बनता है, आपका फ्यूचर में शूट, और ये शूट ही फ्यूचर में इससे क्या बनेगा, आपका स्टेम, ठीक है, और स्टेम से आपका क्या बनता है, फ्लावर और लीफ, ठीक है। तो आप बोलेंगे जर्मिनेटिंग सीड का वह पार्ट जो कि डिसेंडिंग एक्सिस में ग्रोथ करे या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे या नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करे, वो आपका क्या कहलाता है, रेडिकल्स, और इसी रेडिकल से अराइज क्या करता है, आपका रूट, और जो सीड के जर्मिनेटिंग का वह पार्ट जब वो आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करे, या बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स, या बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, या फिर आप बोलेंगे कि जो आपका असेंडिंग एक्सिस में ग्रोथ करे वो आपका क्या होता है, प्लूमल्स, अब प्लूमल्स से क्या पैदा होगा, शूट, जिससे आपका स्टेम, फ्लावर एंड लीफ का प्रोडक्शन होता है,
ये आपका होता है रेडिकल से रूट करते हैं हम लोग, ठीक है। रूटिकल रेडिकल से ही आपका रूट का अरेंजमेंट हुआ है। इस रेडिकल में आप देखिएगा कई पार्ट होते हैं, ठीक है। और देखिएगा तो ये आपका है तीन ब्रांचों, इसको बांट दिए। फर्स्ट ये आपका है, इसको मिटा दे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रेडिकल की जो सबसे इनिशियल पार्ट होती है इसको आप बोलते हैं मैच्यूरेशन जोन, ठीक है। ये कौन सा जोन होगा आपका? मैच्यूरेशन जोन कहलाता है, ठीक है। ये मैच्यूरेशन जोन वह जोन है जहां से बहुत सारे लेटरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होता है। ये जो आपके लेटरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ है इसी को आप क्या बोलते हो? रूट हेयर। इसी को आप क्या बोलेंगे? रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर आपकी क्या होती है? तो आप बोलेंगे रूट हेयर रेडिकल से अराइज होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है, और इसका काम क्या होता है? जो मिट्टी से वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। तो एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है कि रूट हेयर के अराइजमेंट किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे रेडिकल्स के एंटीरियर पार्ट, ठीक है, ये इनिशियल पार्ट से, जिसको मैच्यूरेशन जोन बोलते हैं। तो मैच्यूरेशन जोन से बहुत सारे यूनिसेलुलर लेटरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसे आप क्या बोलते हैं? रूट हेयर, ठीक है। यही मेन काम करता है जो वाटर और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब करता है। सेकेंड पार्ट आपका होता है इलोंगेशन जोन, जो सेकेंड पार्ट होता है आपका है इलोंगेशन जोन। देखिए इलोंगेशन जोन वह जोन है जहां पे क्या होता है कि जो रेडिकल की या फिर रूट की साइज या लंबाई को इंक्रीज करने का काम करता है, ये लंबाई को इंड्यूस करता है। लेकिन जो सबसे एपेक्स पार्ट होता है रेडिकल के, सबसे जो लास्ट पार्ट होती है आपको दिख रहा है टर्मिनल पार्ट, इसी के नाम क्या होता है आपका? ये तो जोन का नाम है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन आपको पता है मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ये रूट का वह पार्ट है जिसके पास सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन वह जोन होता है जहां पर सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी हो, ठीक है। तो सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी कहां होती है आपकी? तो बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन में। तो मेरिस्टेमेटिक जोन सबसे एंटीरियर पार्ट होता है, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? आपका रूट अपेक्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये रूट अपेक्स होता है वो नीचे, चूंकि मिट्टी की जो लेयर होती है वो तो चूंकि कॉम्पैक्ट होती है, तो उसको धीरे धीरे वो क्या अंदर की ओर, उसके अंदर वो इंड्यूस करते हुए ग्रोथ करता है। लेकिन जब ग्रोथ करता है तो इसकी जो पार्ट है वो सॉइल लेयर से हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए, चोट लग सकती है, डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से रूट अपेक्स को चोट लग जाएगी और ये खराब हो सकता है। तो इसलिए रूट के आपके चारों ओर, रूट अपेक्स के चारों ओर एक लेयर होती है जो उसकी रक्षा करता है। इस लेयर को बोलते हो, इस पार्ट को रूट कैप, ठीक है। ये रूट कैप होता है। देखिए मोनोकॉट पौधों में ये रूट कैप का फॉर्मेशन कैलिप्टोजेंस होता है। मोनोकॉट के पौधों में जैसे कि आपका शुगर केन, घास, चावल, गेहूं, तो इन सभी में आप आते हैं। तो रूट कैप का प्रोडक्शन या निर्माण किससे होता है? तो आप बोलेंगे कैलिप्टोजेंस होता है, कैलिप्टोजेन, ठीक है, वो कैलिप्टोजेन कहलाता है। लेकिन ये ये मोनोकॉट की पहचान है। लेकिन आप अगर बात करते हो डाइकॉट की, तो इसका प्रोडक्शन किससे आपको हुआ है? तो आप बोलेंगे टर्मिटोजेंस हुआ है। कहां पर? डाइकॉट पौधों में, ठीक है। तो डाइकॉट पौधों में रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका टर्मिटोजेन। लेकिन मोनोकॉट पौधों में कैलिप्टोजेंस होता है। रूट कैप वह पार्ट होता है जो रूट अपेक्स की कवरिंग लेयर है, जो रूट अपेक्स की रक्षा करती है, जिसकी वजह से रूट अपेक्स जो नीचे की ओर मिट्टी को जब वो डैमेज करता है, जब वो मिट्टी को पंचर करते हुए अंदर जाता है, तो उसको चोट से बचाने का काम करता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि रूट कैप किन पौधों में नहीं पाया था, तो ये तो पहले आपको इतना समझ में आ रहा है, जो पौधे का पार्ट ऊपर ग्रोथ किया ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट असेंडिंग एक्सिस में, प्रिमोल से जिसे शूट बनेगा, शूट से स्टेम, लीफ, फ्लावर। लेकिन जो डिसेंडिंग एक्सिस ग्रोथ करेगा वो क्या है? रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या पता था आपका? रूट, ठीक है। उसके भी तीन जोन थे, ऊपर वाला मैच्यूरेशन जोन जहाँ से रूट हेयर अराइज हुआ जो कि मिनरल्स वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। सेकेंड पार्ट आपका इलोंगेशन जोन होता है जो लंबाई में ग्रोथ करता है। और जो सबसे एंटीरियर पार्ट पे जोन है उसका नाम मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ पे सेल डिविजन कैपेसिटी होती है। और उस लास्ट पार्ट का नाम क्या आपका? रूट अपेक्स। रूट अपेक्स की रक्षा करने के लिए वहां पर रूट कैप होता है। ये रूट कैप
मोनोकॉट पौधों में कैलिप्टोजन से बनता है, लेकिन अगर हम पूछें कि डाइकॉट पौधों में तो बोलेंगे डर्मेटोजन से बनता है। ठीक है, रूट कैप जो होता है ये देखिए सभी पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसके लिए हम समझेंगे, अपन इस चीज को मिटा रहे, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा जो आपकी रूट कैप है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है आपको, रूट कैप कहाँ पे अब्सेंट है। ठीक है, अगर एग्जाम पूछता है कि रूट कैप किस जगह पे अब्सेंट है, तो हम नाम देंगे किस पौधे में अब्सेंट आपका रूट कैप, तो आप बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक जिसमें आपका विस्कम, लोरेंथस, ठीक है, यानी चंदन, अमरबेल, ये सब पौधे आते हैं। तो इन सब पौधों में रूट कैप नहीं पाया था, साथ में माइकोराइजर रूट, तो आपको पता होगा माइकोराइजर रूट पाइनस पौधे में पाया था। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का पाइनस होता है जिसमें रूट का नाम है माइकोराइजर रूट, जो फंगल एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो माइकोराइजर प्लांट के रूट में और पैरासिटिक पौधे के रूट में क्या होता है, आपका रूट कैप अब्सेंट होता है, बाकी सभी पौधों में रूट कैप प्रेजेंट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है किस पौधे में रूट कैप की संख्या मोर देन टू है। जनरली सभी पौधों में इसकी संख्या वन या टू होती है, लेकिन मोर देन टू आपका कहाँ पाया जाएगा, तो रूट कैप किन पौधों में मोर देन टू पाया जाता है, दो से अधिक, तो उसका नाम आपका है पेंडेनस। ठीक है, पेंडेनस ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है, रूट कैप की संख्या मोर देन टू होती है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि रूट कैप का मॉडिफिकेशन किसमें हो गया है, तो देखिए रूट कैप जो है आपका मॉडिफाइड हुआ है, किसमें मॉडिफाइड हुआ आपका, रूट पॉकेट में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट में रूट कैप मॉडिफाइड इनटू रूट पॉकेट्स। रूट पॉकेट्स किन पौधों में पाता है, एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, जैसे आप बोल्फिया, पिस्टिया नाम सुने आप, ठीक है, या एक्वाटिक प्लांट का नाम ले सकते हैं आप। तो सारे एक्वाटिक प्लांट में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाया जाता है जो मॉडिफाइड हुआ है। रूट कैप कहाँ, दो से अधिक है, पैंडेनस, किस पौधे में रूट कैप पाया ही नहीं जाता, तो पैरासिटिक प्लांट और माइक्रोराइजर प्लांट, यहाँ पर रूट कैप आपका अब्सेंट होता है। ठीक है, देखिए जिन पौधों में रूट की एराइजिंग रेडिकल्स होती है उसे आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल रूट, ठीक, चूंकि ट्रू रूट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रूट जिसकी एराइजिंग पौधों में रेडिकल की छोड़कर किसी और जगह से होती है उसे आप क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। रूट में आपका ना ही नोड होता है, ना ही इंटर नोड पाया जाता है, ना ही कोई वहाँ पे बड पाया जाता है। ये पौधे का नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है, फूड का कलेक्शन होता है, वो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और पौधे के लिए एंकरेज का काम करता है, और पौधों के लिए क्या करता है, मिनरल और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का काम करता है। देखिए जो रूट होता है इसको हम लोग यहाँ पर थ्री पार्ट्स में क्लासीफाइड किए हैं। ठीक है, तो रूट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर थ्री पार्ट्स में करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट आपका है टैप रूट, ठीक, जो मुख्य रूप से डाइकॉट रूट के नाम से भी जाना जाता है। डाइकॉट पौधों में टैप रूट पाया जाता है, जहां पर आप देखेंगे सॉइल से जो रूट निकलता है मिट्टी के नीचे, ठीक है, तो इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, ये पहला वाला आपका प्राइमरी रूट कहलाता है, जो पहला वाला बना हुआ है, ठीक है, और प्राइमरी रूट मोर डेवलप्ड होता है, और इससे क्या होती है आपकी ब्रांचेस निकलती है किसकी, सेकेंडरी टर्शियरी सब रूट की। तो याद रखेंगे कि प्राइमरी रूट यहाँ पर मोर डेवलप्ड होता है किसकी तुलना में, सेकेंड रूट की तुलना में, जो डाइकॉट पौधम होता है, जिसे आप टैप रूट कहते हो। लेकिन दूसरा आपका होता है एडवेंटिशियस रूट, तो एडवेंटिशियस रूट जो आपका होता है, तो आप बोलेंगे ऐसे पौधे जिसमें रूट की राइजिंग, देखिए इसकी राइजिंग रूट की किससे हुई है, रेडिकल से, फ्रॉम
रेडिकल्स। तो रेडिकल से जो रूट पैदा होता है उसे हम बोलते हैं टैप्रूट या फिर ट्रू रूट्स। लेकिन जो रूट का निर्माण रेडिकल्स न हो किसी और पौधे के भाग से हो उसे हम बोलते हैं एडवांटेजियस रूट। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो आपका होगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसे पौधे जिसमें प्राइमरी रूट की राइजिंग कम होती है लेकिन सेकेंडरी रूट की राइजिंग उससे ज्यादा होती है। ठीक है, इसे हिंदी में जकड़ा जाल के नाम जानते हैं, जो मोनोपॉट पौधा होता है खास करके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेनली अगर कौन है, मोनोपॉट पौधे। तो मोनोपॉट पौधों की जो रूट है वो आपकी कौन सी है, फाइब्रस रूट। तो इस रूट की पहचान है कि अब प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट कम होता है और सेकेंडरी रूट का डेवलपमेंट अधिक होता है। ठीक है, तो पहली पहचान है कि इसमें प्राइमरी रूट कम और सेकेंडरी रूट ज्यादा होगा, इसे जकड़ा जड़ा बोलते हो। ठीक है, और इस पौधे में आप आते हैं टैप रूट में या डाइकॉट पौधे भी इसी में पाए जाते हैं, तो इसमें प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट ज्यादा होता है किसके तुलना में, सेकेंडरी तुलना में। और जो आपका रूट जो रेडिकल से राइज हो कहीं और से राइज हो उससे आप एडवांटेजियस रूट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ गए थे रूट के बारे में, चलिए अगले आपको पढ़ते हैं नेक्स्ट में। ठीक, स्टॉप।